प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे बाल भारती। बाल भारती का पाठ 15। देखो, बाल भारती पाठ 15, नीला अंबर। इसको बहुत ही अच्छी कविता है। इसको लिखा है डॉक्टर हनुमंत नायडू ने। उनका जन्म 1933 में हुआ, मृत्यु 6 फरवरी 1998। उनकी रचनाएं नीला अंबर, साथी मेरा और बम्बई की कहानी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं यही हैं। परिचय इनका, डॉक्टर हनुमंत नायडू तेलुगु भाषी हिंदी साहित्यकार हैं। हिंदी में लिखते हैं लेकिन तेलुगु भाषी हैं ये, और हिंदी में भी इनकी रचनाएं हैं। इस कविता में प्रकृति की विशेषताएं एवं प्रकृति से मानव का सहसंबंध बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति से मानव का सहसंबंध जो है, प्रकृति क्या है? जैसे निसर्ग में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधे पहाड़ नदी, तमाम चीज़ें प्रकृति में भरी पड़ी हैं। तो उन सभी चीज़ों के प्रति हमारा सहसंबंध क्या है और हमारा लगाव क्या है, उनके प्रति हमारा प्रेम क्या है, ये इस कविता में इन्होंने समझाया है, बताया है। अध्ययन कौशल, वायुमंडलीय स्तर की आकृति बनाओ और नामांकित करो। वायुमंडल स्तर की आकृति तुम्हारे भूगोल के बुक में भी है, आपने देखा है। वायुमंडल के 3 स्तर हैं मुख्यतः। एक तो जो धरती है, जमीन पर जो आदमी रहते हैं, ये स्थलांबर बोलते हैं, और ये इसके चारों तरफ ये जलमंडल है, जलमंडल है, और ये वायुमंडल है। वायुमंडल स्थलमंडल और वो जलांबर है, जलमंडल और वायुमंडल, ये वायुमंडल के 3 स्तर हैं। और तीनों स्तरों के विषय में विस्तार से आपको भूगोल में बताया गया, विज्ञान में भी है ऐसा एक चैप्टर तो बताया गया है। ये देखिए कविता हम पढ़ रहे हैं। नीलांबर साथी मेरा, सागर मेरा मीत है, ऊंचा पर्वत साहस मेरा, मन मेरा नवनीत है। नीला अंबर साथी मेरा, नीला अंबर माने आकाश, ये नीला अंबर जो है वो हमारा साथी है। सागर मेरा मीत है, और सागर जो है वह हमारा मित्र है। बहुत ही सरल है, आप हर भाषा में समझते जाएंगे। ऊंचा पर्वत साहस मेरा, मन मेरा नवनीत है। ऊंचा पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वतों को हम देखते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। ये पर्वत इतने ऊंचे हैं, उस तरह से हमारा साहस भी बढ़ता है, ठीक है। तो ऊंचा पर्वत साहस मेरा, मन मेरा नवनीत। नवनीत में मक्खन, जो दही, दूध से दही बनता है, और दही से फिर हम मथ करके नवनीत निकालते हैं, मक्खन बोलते हैं। तो ऊंचा पर्वत हमारा साहस है, और मेरा मन नवनीत के जैसा नरम और श्वेत सफेद भी, इस तरह से माने पवित्र है। उगता सूरज दीपक मेरा, चंदा मेरा प्यार है, हर बदली मेरी करुणा है, खुशियाँ खिली बहार है। उगता सूरज दीपक मेरा, सूरज सुबह का उगता हुआ हमारे दीपक के जैसा है। जब सूरज नहीं रहता तो सारा अंधेरा हो जाता है, तो जब सूरज उगता है तभी सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। चंदा मेरा प्यार है, चंदा मेरा बहुत ही प्यारा चीज है। हर बदली मेरी करुणा है, खुशियाँ खिली बहार। जो बदली है, बदली माने बादल, हमारी करुणा स्वरूप है, और खुशियाँ हमारे दिल में जो खिलती है बहार के जैसी है। आधी की बीड़ा है मेरी, तूफानों का गीत है, नीलांबर साथी मेरा,
सागर मेरा मीत है, आधी की बीड़ा है मेरी, आधी तूफानों का गीत आधी चलती है, तो वो बीड़ा की उपमा उससे दी गई है। तूफानों का गीत है, उसके साथ जो तूफान चलते हैं वो हमारे गीत हैं। नीला अंबर साथी मेरा, सागर मेरा मित्र। नीला अंबर साथी है मेरा और सागर मेरा मित्र है। पंछी रंग बिरंगे सपने कली कली मुस्कान है, हर घर मेरा मंदिर मस्जिद हर मानव भगवान है। पंछी रंग बिरंगे सपने, पंछी धरती पर बहुत सारे विचित्र किस्म के रंग बिरंगे पंछी जो पाए जाते हैं, वो सब रंग बिरंगे पक्षी हमारे सपने जैसे हैं, हमारे सपने में आते हैं। कली कली मुस्कान है और एक एक कली जो खिलती है यहाँ पर वो हमारी मुस्कान स्वरूप है। हर घर मेरा मंदिर मस्जिद, और जितने भी घर हैं जितने लोग यहाँ रहते हैं वो सब घर जो मंदिर और मस्जिद जैसे हैं, हमारे इष्ट स्थान हैं जहाँ पूजा करते हैं। हर मानव भगवान और हर मनुष्य भगवान के जैसा है, ठीक है। आगे देखिए, इस बगिया के फूल फूल क्या कांटों तक से प्रीत है, नीला अंबर साथी मेरा सागर मेरा मीत है। इस बगिया के फूल फूल क्या कांटों तक से प्रीत है, हमारे इस बगिया में माने इस संसार में, इस हमारे देश में जितने भी फूल फूल क्या, जितने भी बच्चे हैं प्राणी मात्र हैं, सबसे सब एक एक फूल के जैसे हैं। और कांटे, अगर उसमें कुछ कांटे भी हैं, इनके बीच में कांटे भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं, कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं, तो वो उनसे भी हमको प्रीत है, उनसे भी हमको प्यार है। नीला अंबर साथी मेरा सागर मेरा मीत, नीला अंबर मेरा साथी है और समुद्र मेरा मीत है। यह धरती मेरी माता है, मैं धरती का पूत हूँ, नवयुग की हर नई सुबह का मैं ही पहला दूत हूँ। यह धरती मेरी माता है, यह धरती हमारी माता के स्वरूप है, जैसे हमारी माँ होती है, हम बोलते हैं ना धरती माँ, भारत माँ, भारत माता की जय बोलते हैं कि नहीं, तो यह धरती मेरी माता है, मेरी माँ के समान है, मैं धरती का पुत्र हूँ, मैं इसका पुत्र हूँ। नवयुग की हर नई सुबह का मैं ही पहला दूत हूँ, नवयुग की, इस नई युग की पहली सुबह, हर नई सुबह रोज सुबह होती है, तो इस नई सुबह का मैं ही पहला दूत हूँ, मैं पहला पहला दूत हूँ। मेरी राहें लिए आरती गले लगाती जीत है, नीला अंबर साथी मेरा सागर मेरा मीत है। मेरी राहें लिए आरती गले लगाती जीत है, हर रास्ता रोज रोज हम जगते हैं, रोज रोज काम करते हैं, रोज रोज हमको हार मिलती है, जीत मिलती है। मेरी राहें लिए आरती गले लगाती जीत है, हर जीत को मेरी राहें गले लगाती रहती है। नीला अंबर साथी मेरा सागर मेरा मीत है, यह अंबर आकाश नीला जो है वो मेरा साथी है और सागर मेरा मित्र है। तो इस प्रकार से ये कविता मैंने आपको थोड़ा बताया, आपने समझ लिया, और मैंने क्या समझा लिखना है। शब्द वाटिका देखिए, नए शब्द जो इसमें आए हैं, अंबर, अंबर मीन्स आकाश, मीत, मीत का मतलब मित्र, नवनीत का मतलब मक्खन, बदली माने छोटा सा बादल, पूत माने बेटा लड़का सुत, मुहावरे गले लगाना प्यार से मिलना। तो इसका तो आप कोई भी ऐसा इसका अर्थ तो दिया है प्यार से मिलना, और इसको आप वाक्य में प्रयोग करोगे तो कैसे करोगे, गले लगाना माने प्यार से मिलना। जब मैं स्कूल से आता हूँ
तो मेरी माँ मुझे तुरंत गले लगा लेती है, अर्थात मुझे प्यार देती है। इस तरह से प्रयोग करेंगे। स्वयं अध्ययन, पक्षी में तो डॉक्टर सलीम अली के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों के विषय में बहुत जानकारियाँ दी हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। ऐसी पक्षी आप पुस्तकालय से डॉक्टर सलीम अली के पुस्तकों को लेके पढ़ेंगे और इसके विषय में जाने बहुत सारी जानकारियाँ उन्होंने दी है पक्षियों के बारे में। जीव दया ही भूत दया, जीव दया ही भूत दया माने जीवों पर दया करो तो ही सब कुछ अच्छा है। भूत दया, इस प्रकार से विचार मंथन इस पर आपको करना है, विचार करना है। आगे देखिए, सुनो तो जरा कोई हास्य कविता सुनो और सुनाओ, बताओ तो सही अपने देखे हुए किसी मजेदार सपने के बारे में। बताओ कोई सपना अच्छा देखे हो उसको बताओ सबके सामने, और कोई हास्य कविता कहीं पढ़े हो तो उसको सुनाओ। वाचन जगत से कविवर सुमित्रानंदन पंत की कोई कविता पढ़ो और किन्हीं चार पंक्तियों का स्मरण करो। सुमित्रानंदन पंत की बहुत सारी कविताएं आप पुस्तकालय से लेके पढ़ सकते हो। विद्यालय के पर्यटन संबंधी एक सूचना पत्र बनाओ। विद्यालय का पर्यटन कहीं जाने वाला है तो उसके लिए सूचना निकाली जाती है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है या नोटिस निकाली जाती है, तो उसको आपको बनाना है और लिखना। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। ये तो कविता में आप ढूंढोगे तो ये मिलेगा, और इसको ढूंढ करके यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। कविता में देखो जैसे उगता सूरज है, उगता सूरज यहाँ है, उगता सूरज दीपक मेरा, ये चंदा मेरा प्यार है, हर बदली मेरी करुणा है, खुशियाँ खिली बाहर, ये कविता आपको यहाँ लिखना है। यह धरती और धूप है, यह धरती इधर है, यह धरती मेरी माता है, यह धरती का मैं धरती का पुत्र हूँ, नो युग की अब नई सुबह का मैं ही पहला दूत हूँ, यहाँ तक लिखना है। अभी जरा सोचो तो बताओ, यदि संगीत ना हो तो, यदि संगीत ना हो हमारा जीवन बहुत नीरस हो जाएगा और हम अपने उबाऊ पलों को जल्दी बिता नहीं पाएंगे, खुशियाँ जीवन में नहीं आएगी। ये सब तमाम बातें सदैव ध्यान में रखो। प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधे नदी पहाड़ निर्झर जितनी भी चीज़ें हैं, हवा पानी, सबकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है, सबकी रक्षा करना, क्योंकि इन्हीं के भरोसे हम भी हैं और हमारा जीवन इन्हीं के ऊपर है। भाषा की ओर दिए गए उपसर्ग लगाकर नए शब्द रेल की खिड़की में तथा नीचे दिए गए शब्दों को उपसर्ग अलग करके पहियों में लिखो। यहाँ पर देखिए कुछ उपसर्ग दिए गए हैं। एक ट्रेन बनाया गया है, अन नी सु आ कु भर, ये उपसर्ग दिए गए हैं, तो आज अन से अन कही उपसर्ग बनता है, शब्द बनता है। नी से निराश, सु से सुलभ, अ से अकारण, कु से कुशल, भर से भरसक, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ लिख देना है। और यहाँ नीचे क्या करना है, इसमें कौन से उपसर्ग लगे हैं वो हमको चुन करके इसके पहिए में लिखना है। यहाँ से वचन, वचन में सु लगा है तो सु इसका उपसर्ग है, सु लिख दिया। परदेश, देश में पर लगा तो पर, भर पेट, पेट के साथ भर लगा है तो भर, अनुपस्थित, उपस्थित के साथ अन लगा है तो यहाँ अन उपसर्ग हुआ। ये छाट करके ऐसे में लिख दिया, आप भी लिखिए। आगे देखिए, रेडियो पर प्राणी पक्षी संबंधी गीत सुनो। रेडियो पर बहुत सारे गीत आते रहते हैं, प्राणी और पक्षियों से संबंधित गीत को सुनना है, ठीक है। प्रथमोपचार पेटी में क्या क्या होता है बताओ। प्रथमोपचार पेटी में जैसे तुम क्वार खेलने गए हो, खेल करके आए घर में, तुमको कहीं चोट लग गई, कहीं पे छोटा सा घाव लग गया, तो
ऐसे समय तुम तुरंत डॉक्टर के पास न जा करके कुछ घर पे ही अपना प्रथमोपचार करते हो, तो उस समय पेटी में तुम्हारे क्या क्या होना चाहिए, जैसे कुछ दवाएं हो जो दर्दनाशक हो, पट्टी हो, और ये सब चीज़ें, साफ़ सफाई के लिए डेटॉल वगैरह, ये सब चीज़ें प्रथमोपचार पेटी में हमको घर में रखना चाहिए। संतुलित आहार संबंधी पत्रिका पढ़ो, संतुलित आहार संबंधी पत्रिका पढ़ना है कि हम क्या क्या खाएं, अपने खान पान संबंधी देखभाल के लिए हमको ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अपने विद्यालय मनाए गए राष्ट्रीय पर्व का कोई प्रसंग नहीं, अपने विद्यालय मनाए गए राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, कैसे कैसे मनाया जाता है, क्या क्या करते हो तुम लोग, ये सब लिखना है। अक्षर समूहों से कवियों के नाम ढूंढो और लिखो। ये अक्षर समूह दिया है लेकिन ये एक आर्डर में नहीं है, उल्टा पुल्टा दिया है, इसको हमको एक आर्डर में जोड़ करके कवि का नाम बनाना है। ये है पहला रसखान, लिख सकते हैं आप। ये है ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर कवि थे महाराष्ट्र के ही। ये है सूरदास, सूरदास की कविताएं आपने पढ़ी है, विहारी और नामदेव। तो ये सब चीज़ें ये इन्हीं अक्षरों से बनाई गई हैं, इसको उल्टा पुल्टा दिया, इसको सीधा करके लिखा है, आप भी लिख सकते हो। विद्यालय में पहले दिन मैं अपने अनुभव सुनाओ। पहले दिन तुम विद्यालय में जाते हो तो सबसे अपरिचित होते हो, किस तरह से तुम जा कर के बैठते हो, कौन कौन तुमको सपोर्ट करता है, कौन कौन विद्यार्थी तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, कैसे कैसे उसे लिखना है, अब तक प्रकृति से क्या क्या सीखा बताओ, प्रकृति से तुमने क्या क्या सीखा, ऐसे इसी पाठ में तुम देखा, दीपक गलता है, पुष्प, पहाड़ से क्या सीखते हो, नदी से क्या सीखते हो, तमाम चीज़ें। प्रति सप्ताह हिंदी के सुवचनों को पढ़ो, हिंदी के सुवचन हर सप्ताह तुमको पढ़ना है और उसको लिखना भी है। अपने राज्य के प्रमुख स्थलों के नाम और उनकी विशेषता लिखो, अपने राज्य से महाराष्ट्र में हो या प्रमुख स्थल क्या है, रानी बाग देखने जाते हो, नेहरू तारांगण देखने जाते हो, नेहरू साइंस सेंटर देखने जाते हो, आर्य कॉलोनी दुग्धालय है वहाँ जाते हो, हैं ये सब, मुंबा देवी जाते हो दर्शन के लिए, हाजी अली जाते हो, ये सब चीज़ें जो है आपके दर्शन स्थल है उसको आपको लिखना है, विशेषता लिखना। आगे चलिए, पुनरावर्तन 2। मित्रों के साथ की गई किसी वन की सैर का वर्णन सुनाओ। अपने मित्र के साथ किसी वन में गए हो कभी टहलने घूमने, तो उसका वर्णन आपको सुनाना है। अपने विद्यालय के खेल विभाग से संबंधित जानकारी बताओ। खेल विभाग के अंतर्गत तुम्हारे विद्यालय में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, पीटी टीचर आपको खेल खिलाती है तो क्या उन कौन सा खेल खिलाती है, कैसे कैसे खेलते हो, सब। रविवार समाचार पत्र से बाल कविताएं पढ़ो। हर रविवार को जो देखते हो पेपर में कविता कुछ निकलती हैं, बच्चों के संबंधित चुटकुले निकलते हैं, वो सब लिखना है। मैंने सबक सीखा इस शीर्षक से अपने जीवन का कोई रोचक प्रसंग लिखो। मैंने सबक सीखा इस शीर्षक पर अपने जीवन पर कोई रोचक प्रसंग लिखो, ना किस चीज़ से तुमने कोई चीज़ सीखी, सबक ली, कभी तुमने झूठ बोला मम्मी से, पापा से, या किसी से, पड़ोसी से, उस झूठ का सबक उल्टा तुमको क्या मिला, वो आपको लिखना है। अक्षर समूह में से खिलाड़ियों के नाम बताओ, लिखो, जैसे पीछे हमने किया उसी तरह से यहाँ भी है। तो ये अक्षर समूह दिए हैं लेकिन ये अक्षर समूह सीक्वेंस में नहीं है, उल्टे पुल्टे हैं, उनको जोड़ करके एक किसी खिलाड़ी का नाम बताना है। तो पहला है साइना नेहवाल, ठीक है, दूसरा है शिवा थापा, तीसरा है विराट कोहली, अभिनव बिंद्रा, अंजू बाबी जॉर्ज और सानिया मिर्जा, और ये है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद शतरंज के खिलाड़ी हैं, चेस खेलते हैं। भारत की 10 विशेषताओं को सुनाओ। अपने शब्द भंडार में कितने नए शब्द जोड़े बताओ। प्रति सप्ताह निबंध संग्रह से वर्णनात्मक निबंध पढ़ो। मासांत के दिन हिमालय के शिखरों के नाम की सूची बनाओ। हिमालय कौन शिखर, ये सब आपको उपक्रम के तहत करना है।
तो इस तरह से ये प्रथम सत्र हिंदी का समाप्त होता है। अब यहाँ से शुरू होता है बच्चों दूसरी इकाई, माने ये दूसरी इकाई अब आपको इसके दिवाली के बाद का पहुँचना है।